टेबल सीट, कंफर्टेबल जर्नी और आगे की तरफ मेरा भी, तो एक फोटो शूट कर लो। वेलकम गाइस, नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी एडवेंचर। मेरा नाम राहुल कुशवाहा और आज का जो डेट है 23 है या 24 है, एक मिनट श्योर कर लेते हैं। 23 मार्च 2022, आज मैं हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि आज की मेरे को डेस्टिनेशन है दिल्ली से, मुंबई से अहमदाबाद जाना है। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे एक ट्रेन आती है जिसका नाम है ADIMMCT तेजस एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल को तेजस प्राइवेट ट्रेन, इंडिया का सेकंड प्राइवेट ट्रेन में गिना जाता है इसको, और रैंक में सेकंड रैंक पे आती है इंडिया के प्राइवेट ट्रेन में। इस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या हमें, मेरा टिकट है E2 में, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में है, तो आगे में मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या प्राइवेट ट्रेनें हमें फैसिलिटी देती है। IRCTC ये कहती है कि जैसे आप एयरपोर्ट पर सफ़र करते हो, फ्लाइट में सफ़र करते हो, सेम सुविधा मैं आपको अपनी ट्रेन में देता हूँ। तो मेरा यही फंडा है कि मैं ट्राई करूं कि IRCTC जो बात कहती है उसमें कितने परसेंट की सच्चाई है, उसको ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो टाइप के कोचेज होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव क्लास, एक होता है CC चेयर कार होता है, और एक एग्जीक्यूटिव क्लास, दो क्लास के होते हैं। तो इसमें डायनेमिक फेयर होता है, अगर आप कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले करते हो, तो एक नॉर्मल जिनका बेस फेयर होता है ना, उस पर बुकिंग होती है, और देन उसके बाद अगर आप कर रहे हो जैसे तत्काल होता है वैसे अगर कर रहे हो, जैसे आज जानना है तो दो दिन पहले कर रहे हो, तो आपको डायनेमिक फेयर में आपको प्राइस आएगी। तो मैं आपको चलता हूँ, एंटर करते हैं इस ट्रेन की, तेजस ट्रेन की, अपने कोच में, जिस कोच का नंबर है मेरा E2। तो चलता हूँ, यहाँ पे इन लोगों ने एक गेस्ट को रखा है, उसके बाद एंट्रेंस करने के बाद ऐसा कुछ माहौल है, ठीक है। एंट्रेंस करने के बाद इनका प्राइवेट कोच रहता है जिसमें पेंट्री कार होती है, और इसमें रिलायबिलिटी के लिए चेयर, इसमें E2 होता है जो एग्जीक्यूटिव क्लास, इसमें चेयर की डिस्टेंस होती है जो कंफर्टेबल होती है जैसे फ्लाइट की तरह। तो मैं अपने सीट पर भी बैठ के दिखाता हूँ कि मेरा सीट ये जगह, अभी तो बैग वैसे ही है। तो मैं इसमें ये बताने वाला था कि आपको इसे सीट की कंफर्टेबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल कितना हो सकता है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, नॉर्मल बैठा हूँ, अगर मैं ये रहा इसका सीट का लॉक, इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं पूरा 30 डिग्री से बॉब फ्लैक्स हो सकते हैं, जिसमें आप एक कंफर्टेबल जर्नी, हेड रेस्ट के लिए ये आपको दे रखा है, जो आप फिलहाल देखो कितनी, मतलब बेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया गया है, जिससे हेड को रिलायबल मिलेगा। देन अगर आपको लेग का रिलायबल चाहिए ना, तो लेग के रिलायबल के लिए ये है, तो इसके लिए मैं अगर एक लॉक बटन है इसको क्लियर करता हूँ तो ये प्रॉपर आ जाएगा, तो इस पर आप पैर रख के आराम से सो सकते हो, ठीक है। और जैसे मेरा थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होने के कारण मैं घुटना ना अगले सीट से ना टकरा जाता था, मैं अगर इसकी बताऊँ, फ्लाइट की बताऊँ, तो इसमें भी, इसमें मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा, इतना होना ही नहीं। जैसे देखो, मैं अगर नॉर्मल बैठा हूँ तो इतनी सीट ओपन हो सकती है, और LED TV है, इसको चला के देखते हैं कि इसमें चलाने का तो सिस्टम पता नहीं चल रहा कि कहाँ से है, बट ट्राई करते हैं आगे। तो इस ट्रेन की रिपेबिलिटी में ये दिखा कि फ्लेक्सिबल सीटें, आरामदायक सीटें हैं, जितने भी इनके किराए हैं ना 2000 रुपये, उतने में तो EC क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास मिलना मुश्किल है, बट बहुत ही ज़्यादा सफ़र का आनंद आने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेन है जिसमें इंडिया की सेकेंड प्राइवेट ट्रेन में गिना जाता है, इसको 3:47 टाइम हो गया जब जाके गेट लॉक हुआ। हेलो, फिलहाल ट्रेन चुका है 10 मिनट में IRCTC ने क्या किया कि एक IRCTC का 1 लीटर का पानी का बॉटल, ये और ये एक कप जो पेपर कप है, मेक इन इंडिया की तरफ
कचरे को ना फैलाने के लिए पेपर कप यूज करके एज ए फूड डिस्पोजल इसको यूज करके डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी बाहर का व्यू देख सकते हो कितना मस्त है, मस्त एंगल का व्यू दिख रहा है। और इसमें अभी अपन ने विंडो का जो सील्ड है इसको हटा दिया है, नहीं तो इसमें ना बहुत ही मज़ेदार बटन, टच बटन है, जिसे प्रेस करोगे तो आपको बाहर की तरफ दिखा रहा है। ये यहाँ की लोकल, मुंबई की लोकल ट्रेन जा रही है, देख रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें, एक न्यूज़पेपर ला के दे दिया गया, मैगजीन ला के दे दिया गया, जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। अभी मेरा रेलवे स्टेशन में बताऊँ, बोरीवली क्रॉस कर चुका है। बोरीवली रेलवे स्टेशन 29 किलोमीटर है मुंबई सेंट्रल से, जिसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल चुका है मुझे। ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखा दूँ तो क्या क्या है, ऐसे दिखाता हूँ। एक है कोको चिप्स, एक है मसाला छाछ जो मदर डेरी का है, ब्रिटानिया का गॉड ब्लेस का फनी फन है, देन बारवन है मुँह मीठा करने के लिए, मज़ेदार चीज़ दे रखा है। इसमें पैक्ड समोसा है और अभी तो फिलहाल गर्म है, ओवन का होगा। और देन डेट डला हुआ है 23 मार्च। देन एक ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई क्या है, मुर्गो या तो ये डेजर्ट स्पेस का वेलकम कोई फूड होगा। देन उसके बाद एक है सैंडविच जो डिलीशियस लिखा हुआ है। लास्ट में आपको खाना खाने के बाद वाइप्स, पहले इसे खाना खाने के बाद वाइप्स यूज करना है। देन उसके बाद हैंड सैनिटाइजर है। अरे यार ये समोसा नहीं है, ये समोसा की जगह पे कचौड़ी है, कचौड़ी है ना, हाँ, जो आज के डेट में रेडी किया गया था। हम लोगों की समोसा है भाई साहब, भाई से पूछो अभी एक्सपीरियंस क्या है खाने का, सोचा अभी हम निकाल रहा था, नहीं देखिए अभी इधर भी उधर भी जानते हैं, एक ब्लॉगर और दो ब्लॉगर मिल जाएंगे तो हां, और अभी समोसे के चक्कर में धोखा हो गया, मिल गया कचौड़ी, बट कोई बात नहीं, क्या यार गर्म है, ऑल राइट है, दिक्कत नहीं है। और अभी हमारी ट्रेन किस स्पीड में चल रही है मैं वो भी दिखा दूँ, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले कहाँ से निकली थी, बोरीवली से, हाँ बोरीवली मुंबई रेलवे स्टेशन का एक मुंबई का ही रेलवे स्टेशन है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, अभी मेरा ना GPS कनेक्शन कह रहा है वेट करो, इंतज़ार करो, लेकिन मैं कितना इंतज़ार करूँ ये GPS वालों को बताना पड़ेगा यार, जबकि नेटवर्क भी बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। देखो यहाँ पे GPS फोर सिग्नल के लिए इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है कि अभी वेट करो वेट करो, इतने सारे फूड देख के ना, हाँ आ गया 106 10 तो मोबाइल में भाई 10 1058 की स्पीड में चल रहे हैं। नॉर्मली अभी 2 मिनट पहले रेलवे स्टेशन से निकला था, अब यार बताओ 2 मिनट पहले निकला और इसकी स्पीड आ गई 100 अबव, तो सफ़र तय करने में ना टाइम नहीं लगना है, रात को 10 बजे के आसपास अपन पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में। चलो फिर नाश्ते को टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा है इसका डिलीवर। अभी तो फिलहाल हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट में क्या अच्छा लगा, ख़राब कोई था ही नहीं, ख़राब ही नहीं था कोई। अब सोचो यार एग्जीक्यूटिव क्लास के कुछ तो बेस्ट होना चाहिए, जो बहुत ही बेस्ट मिला। सर्दी हो गया है, सर्दी हो गया है तो इनको सर्दी हो गया, इनको ना कोल्ड वाला आइसक्रीम खिलाना पड़ेगा, एकदम गरम वाला नहीं खाएंगे। अभी बोल रहे थे मैं ठंडा पानी पी लेते, नहीं हम गरम पियेंगे। और इसमें क्रू मेंबर भी बेस्ट है यार, यहाँ पे दे रखा है कॉल बेल, बजाने के बाद 5 से 7 सेकंड में पहुँच जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि हमने जो कॉफ़ी बनाया था ना, कॉफ़ी में शुगर कम थी, और मैं पैकेट वाली होती है यार वो तो नॉर्मली होता है, तो हमने एक्स्ट्रा लगा के फिर बनाया, तो उसके बाद एकदम हार्ड हो गया। और यहाँ क्लीनिंग की जो बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि बेस्ट फैसिलिटी है, यह सीट तक की सर्विस है, सीट तक की सफाई रखी गई है प्रॉपर। और अब हमारा डेस्टिनेशन हमने 1 घंटे क्रॉस कर लिया, 1.5 घंटा हो गया, अब देखते हैं कब पहुँचेंगे, 10 बजे तक आसपास पहुँचेंगे बोरीवली पार करके। मम्मी चलो ठीक है।
मुंबई से 3:45 पर निकलने के बाद हमें जिस ट्रेन में सफ़र चल रहा था ये सब ट्रेन था IRCTC तेजस एक्सप्रेस जो ये प्राइवेट ट्रेन है, अभी फ़िलहाल ये सूरत जंक्शन पहुंची है। जो सूरत जंक्शन पे टाइमिंग है 6:45 पर जो 6:52 पर पहुँची है, इसको यहाँ पे 5 से 7 मिनट डिले के साथ ये ट्रेन चल रही है। और सफ़र का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये ट्रेन ऑन टाइम चल रही थी, इनविजिबल सारे चीज़ें और यहाँ कैटरिंग सर्विस भी मस्त थी। और एक चीज़ और बताऊँ इस ट्रेन का, ऑन टाइम चल के ना कुछ यहाँ फिलहाल ऑन रोड करने के बाद हमें यहाँ से 5 मिनट का टाइम था, जो अभी 1 से 2 मिनट में गेट लॉक हो जाएगा। तो अभी अपन ऑन बोर्ड हो गए क्योंकि गेट लॉक होने के बाद कोई भी गेट ओपन नहीं कर सकता है। और एक चीज़ बताऊँ, मज़े बहुत आ रहे हैं सफ़र में, चैनल को ना सब्सक्राइब कर दिया करो यार, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कर दिया करो चैनल, सब्सक्राइब लाइक शेयर जितने मर्जी करना है कर दिया करो, ठीक है। तो चलते हैं, जो बोर्ड मिला है वो सूप और क्या क्या चीज़ें हैं भाई दिखाओगे? एक तो मुझे मिला है सूप जो ऑप्शनल है, एक सूप ले सकते हो, टमाटर सूप ले सकते हो या आप ले सकते हो स्वीट कॉर्न, ठीक है। और एक ये मिल रहा है, और एक है यहाँ पे सूप स्टिक है, और उसके बाद अमूल का एक बटर टिक्की। ये 3 चीज़ों के साथ सूप अभी आएगा इस ग्लास में, तो बेहद ही फैसिलिटी वाला है एग्जीक्यूटिव क्लास। जितना है कितना सही है एग्जीक्यूटिव क्लास खाने के मामले में? जितना जितना हम लोग कहते हैं, जितना कि ठंडा लगता है और रजाई ओढ़ लेते हैं और गर्मी हो जाता है उतना उतना डायलॉग में सर। तो अभी खाते हैं, ब्रदर आ रहा है सामने ही अभी, उसके बाद हमें हॉट वाटर मिल जाएगा, उसमें फिर हम सूप बनाएंगे, फिर पीते हैं, फिर दिखाते हैं, उसके बाद जीते हैं जीते हैं। अभी फ़िलहाल बज चुका है शाम, रात के 7:59, 8 बज चुके हैं, ये आप देख लग सकते हो 8 बज चुके हैं। और अभी बरदरा स्टेशन क्रॉस करने वाला है, तो हमारा फूड आ चुका है। फूड में है ये नॉनवेज चिकन हो गया, राइस दाल और आलू के सब्जी वाया चपाती, देन मिट्टी दही है मेरे ख्याल से, हाँ मिट्टी दही, और मिक्स्ड अचार है, किस कंपनी का है, सुराची का, जो ये तो अहमदाबाद की ही कंपनी है, और इसमें विद हैंड सैनिटाइजर एंड वाइप्स आता है। और अब खाने की जो क्वालिटी है उसको हम टेस्ट करते हैं कि कैसी क्वालिटी खाने की है और कैसा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि भाई हम एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास में अलग सी कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि बंदा एग्जीक्यूटिव क्लास में आके सफ़र करे। तो इसके लिए खाने को हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि रात के डिनर कैसा है। अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन की स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, 130, 128, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 130, 128 की स्पीड में हमारे पास आ चुका है हमारा खाना। और अब चलते हैं अपने इसी स्पीड के साथ खाने को अपने अंदर लेने के लिए, तो देखते हैं आगे कि हमारे पास और कुछ नया अपडेट आता है तो। खाइबा का? हाँ खाइबा किया वो। फिलहाल मेरा सफ़र ख़त्म हुआ और ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, और जो ट्रेन है इस ट्रेन का नाम है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस। तो ये देखिए ब्रदर मेरा आ गया, पूरी की पूरी सीटिंग खाली हो गई, अब हम भी चलते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। सीटिंग के लिए आपने देखा बहुत ही बेस्ट तरीके से था, और यहाँ पे एक चीज़ आपको बेस्ट बताऊँ तो कंफर्टेबल सीट, कंफर्टेबल जर्नी, और आगे की तरफ मेरा भी तो एक फ़ोटो शूट कर लो।
चलते हैं गाइस, फोटो शूट हो गया, अब निकलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि हो गया है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली। और ये रहा है कारपेट, और पहुंच गया मैं सामने अहमदाबाद जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। डेस्टिनेशन फाइनली ख़त्म हुआ। एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रेन में सफ़र करने के बाद, क्योंकि कम टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया है इसके लिए थैंक यू फॉर IRCTC और इसके क्रू मेंबर बहुत ही बेस्ट तरीके से बिहेवियर, मतलब एज इट इज एक फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करने वाले, तो थैंक यू क्रू मेंबर और थैंक यू IRCTC। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। मैं राहुल कुशवाहा, और एक चीज बहुत बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर लाइक करना मत भूलो। मैं आपको लास्ट व्यू दिखा रहा हूँ, यह है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, इसका वाइल्ड एंगल पूरी तरीके से आप देख लो कितना मस्त मज़ेदार है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।